particular charges mass m move rectilinear under the action of an electric field is equal to a minus bx square b is positive constant and x is the distance from the point where the particle was initially at rest. Calculate the distance taken by the particle till it comes to rest and the acceleration of that at that moment. Acceleration of the particle at that moment. हमको क्या दिया फील्ड दिया फील्ड के कितना होते हैं फील्ड के a माइनस bx है ना ठीक है और चार दिया है तो इलेक्ट्रिक फोर्स e इक्वल टू कितना हो जाएगा e इक्वल टू m / q होता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पर चार्ज पर के इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स f इक्वल टू क्या हो जाएगा q टू e हो जाएगा है ना f इक्वल टू q इक्वल रख दीजिए तो इक्वल कितना दिया है इक्वल टू ए माइनस बी एक्स ए माइनस बी एक्स है ना अब फोर्स क्या होता है मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन क्यू ए माइनस क्यू बी ऑफ ए हो गया एक्स है ना अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं एक्सीलरेशन के लिए क्वेश्चन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा क्यू बाई एम ठीक है ए माइनस बी एक्स हो जाएगा है ना अब देखिए एक्सीलरेशन क्या लिख सकते हैं एक्सीलरेशन को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सीलरेशन होता है तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा क्यू बाई एम हो जाएगा ए माइनस डी एक्स हो जाएगा ठीक है अब ठीक है हमको क्या करना है वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा इसको dv by dt क्या ले सकते हैं dv by dt इसे कहते हैं b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और b से डिवाइड कर देते हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा वो सेट डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है तो कितना दे गए डी बी बाई डी टी तो ऑलरेडी आपके पास है हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया क्यू बाई एम ठीक है ए माइनस बी एक्स ठीक है तो यहां से देखिए डी एक्स बाई डी टी एक्स आगे देते हैं डी एक्स बाई डी टी डी बी एक्स वोट क्या हो जाएगा क्यू बाई एम ठीक है a माइनस bx a माइनस फिर dx बाय dt क्या है प्लस v तो v dv इसको कर देगा q बाय m a माइनस bx ठीक है dx ये हो गया ऊपर dx ठीक है ये है dx तो देखिए ऐसे ना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ v dv इक्वल टू q बाय m ठीक है और a dx माइनस b x dx इंटीग्रेशन ठीक है ये लेफ्ट तो यहां से देखिए इसको इंटीग्रेट करें क्या मिलेगा b 1 plus 1 upon 1 plus 1 is equal to q by m q upon m of your data a integration of dx minus b integration of x dx ठीक है तो ये देगा आपका q by m b by m है यहाँ q भी है q भी
अब टू से फोर साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बिलास्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, टू क्यू ए बाई एम इंटू एक्स माइनस क्यू बी बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस टू सी ना। तो कह रहे फाइंड तो देखिए ये अपना मोशन कहां से इनिशियली पार्टिकल कहां पर है रेस्ट में ना, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है आपको वो डिस्टेंस निकालना है जब पार्टिकल इनिशियली रेस्ट करेंगे कि द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट। तो देखिए इनिशियली पार्टिकल क्या है रेस्ट, मैंने x इसको लो 0 पर वेलोसिटी क्या होगी 0 ना, x इसको लो 0 पर वेलोसिटी क्या होगा 0, ठीक है। तो यहां से c का मान 0 हो जाएगा, c का मान क्या देखा 0 हो जाएगा ना, सी कम ऑफ टू जीरो। व्हाट इज पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टिल इट कम टू रेस्ट एंड एक्सीलरेशन एट दैट मोमेंट ना, तो इसे वैल्यू रखिएगा तो 0 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस 0 प्लस c, तो c का मान क्या होगा 0। तो इलास्टिक इक्वेशन क्या होंगे, इलास्टिक इक्वेशन ऑफ 2a by m x minus 2b by m in of plus into x square of plus 0, ये लास्ट इक्वेशन हो गया। आपको जब वो पोजीशन बताना है जहां पर इसके लास्ट जीरो है, ठीक है। तो चलिए जरा कॉपी करके बताएं बात कर लिए हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो है एट फॉर रेस्ट फॉर रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन के लिए क्या होगा बताओ, वी इक्वल टू क्यू ना, तो जीरो स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका आपका टू टू ए by m into x minus 2b by m into x, यहां से आपको x की पोजीशन निकालना है, कैन यू फाइंड द पोजीशन ऑफ x, ठीक है। चलिए x की पोजीशन निकाल लें, ए माइनस बी एक्स, ए एक्सीलरेशन इक्वेशन,
है ना, ठीक है। और क्यू वाई क्यू टू एक्स टू क्यू ई था, तो यहाँ से देखें एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स की वैल्यू अगर हम ये रखते हैं टू ए बाई बी रखते हैं, एक्स इक्वल टू टू ए बाई बी, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा क्यू बाई एम ए माइनस टू ए अपॉन बी हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू ये दे रहे हैं ना।